आज राउंड टू हेल की देसी वेडिंग पे रिएक्शन देने वाले हैं। गाइस राउंड टू हेल का वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं। ऐसे आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज को क्या हुआ, एक्चुअली मौसम यू नो चेंज होता जा रहा है तो गला बैठ गया है, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं है। हम लोग राउंड टू हेल की वीडियो पे जैसे कि काजल ने बताया रिएक्शंस करेंगे एंड हमें शुभ अंसारी ने कमेंट्स किए थे। सो गाइस प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही रिएक्शंस करते रहेंगे। सो देर ना करते हुए करते हैं रिएक्ट। क्या रे अवेर तेरे रिश्ते को हो जाएगी ना तेरी शादी जन्म में। अबे दहेज मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाप तुम्हें अपनी लड़की देता है उसके ऊपर से तुम दहेज मांगते हो? ये साले दहेज में गाड़ियां मांगते हैं और उनसे आग मूंदते हैं। फिर अबे इतनी औकात है तो तुम्हारी अपनी लेके दिखाओ। दहेज मांग रहे थे वो बहन चो तो वसीम दहेज भी क्यों ना मांगे, क्वालिटी तो नहीं थी खराब है। मैं नाजिम नहीं कह रहा, कल एक लड़का इतनी बेहतरीन तरीके से सिगरेट पी लिया, तू नहीं पी सकता। वो क्या पी रही होगा, मैं पी के देगा छोटे सिगरेट। यार मजा नहीं आया नाजिम, मैं कह रही हूँ उसका अलग ही स्टाइल था। मेरे कद्दू का स्टाइल उसका। तू बता सिगरेट किधर की तरफ से पीता है? यार जिधर से सब पीते फिल्टर की तरफ से। मैं फिल्टर की तरफ से जलाता हूँ। मगर वसीम उस लड़के ने चार छल्ले बनाए मेरे साथ। ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक में मैं पांच छल्ले, मैंने नौ बनाए। मतलब पांच छल्ले ओलंपिक वाले रिक्वेस्ट करके लेके गए मुझसे, बाकी के बचे चार। बाकी के चार तेरे बाप ने दिए होली वालों को। वसीम लोंडे में टैलेंट तो है ही, जा सकता है इंडियाज गॉट टैलेंट में, लेकिन उस लड़के ने नाक में से धुआं निकाला था, ये नहीं निकाल सकता। मैं नाक से पी लेता हूँ। मैं नहीं पी के दिखाई। अरे जैन टैलेंट तो इस कदर है ऊपर वाले की रहमत से, कमेंट नहीं करा कभी। 10 सिगरेट पीनी थी दिन में, 20 पी रहे हो आजकल बस। ये टैलेंट है। अंकल अंकल मार क्यों रहे हो? अरे 20 पिएगा छल्ले ना छल्ले। अरे अंकल क्यों मार रहे हो? एक ही तो पिया है, बंदे डिब्बी निपटा रहा है पूरी। अरे अंकल मारो मत। अरे अंकल ये तो छोड़ो, बाहुबली कितने तीर मारा है एक बार में? तीन। ये चार डिब्बी एक बार में। अरे इसे छोड़ जग दे जग। अंकल जग लो। अरे अंकल सुनो तो सही, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, घर पे बाल्टी रखी हुई है, भर भर के मारूंगा। अरे अरे भैया बड़ा मारा रे। अबे एक बाल्टी भर के तो मारा, इतना थोड़ी मारा। एक बाल्टी भर के? अरे बाल्टी खत्म होने के बाद टंकी चला के मारा, पूरी रात टंकी चलाई है। ये साले उसकी इंजरी की कारस्तानी है, उसकी वजह से बैठा हूँ मैं। मेरे पास एक प्लान है। कैसा? हेलो हाँ जैन साहब जी, वो तेरा रिश्ता ना होता ना रंड में तो मैं वो तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो एक घंटे के अंदर तैयार मिल, माँ बाप आ रहे हैं लड़की के। बहू इतना उतराव बुला के मरिया है, एक कहाँगे रिश्ते वाले मुझसे बर्दाश्त ना हो रही यार। अरे वो लड़की वालों की डिमांड लेके लड़के से अकेला मिलना चाहती है वो, तो मुझसे अकेला मिलना निकले यहाँ से। डांड सही है, दफा जल्दी आ जाओ। ये है अपने दमाग, जीत रहो बेटा जीत। ए वाली टाइल्स किन्ने तोड़ी है ये? संस्कार। हाँ क्या कर रहा है तू? हाँ अंकल वो आपने शोरूम देखा है ना अक्सर का? हाँ लल्ला देखा है। जी सर मैं उसमें मैनेजर की पोस्ट में हूँ। उसका मैनेजर तो मैं हूँ। अरे अंकल वो बात सही है आपकी, उससे आगे वाला जो है मैं उसका हूँ। उसका मैनेजर तो मेरा लुंडा है। अरे अंकल वो भी आपका, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो उन दोनों शोरूम के बीच में है ना वो शोरूम। अरे बेटी चौध, अरे उसकी मैनेजर मेरी बहू है। अरे अंकल मेरी पूरी बात तो सुन लो, उन दोनों शोरूम के बीच वाले शोरूम के सामने जो छोले भटूरों का ठेला है ना वो मेरा ही है। खासियत बता दो अपनी। अरे सर खासियत तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे, मैं इस देश में चलने वाले सबसे बड़े कॉन्टेस्ट में कल ही जीता हूँ। कौन सा कॉन्टेस्ट जीता अभी तू? अरे सर वो फेसबुक डीपी कॉन्टेस्ट सर, मेरी आरिफ के लोंडे से सीधी टक्कर थी। चॉकलेटी बॉय उर्फ हार्ट स्टीलर कलुआ ऐसे कुछ करके नाम था, मेरा ऑप्शन था ए, उसका ऑप्शन था बी। सर कुछ देर ए चले। अरे वाह अजी देख रहा हूँ कितने नेक काम है इसके, डीपी कॉन्टेक्ट जी का, मुझे यही लड़का चाहिए अपनी लड़की। अरे मेरी इस आइटम को पसंद था, मुझे पसंद इसके नेक कामों ने मेरा दिल जीत लिया। कल बारात चाहिए मुझे चौखट पे, सही है ना? आओ आइटम आओ, ज्यादा इमोशनल हो रही हो तुम। Yeah.
माइकल जैक्सन क्या आज रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है, इंतजाम कहाँ है मेरा? अरे यार वो घोड़ी तो घोड़े के साथ भाग गई, तो मैं काहे पे बैठूंगा, एक इंतजाम है भाई चलना। तो वसीम मजा नहीं आ रही है मुझे, वो घोड़ी के आगे से बच्चा बैठा होता ना, यहाँ बैठाना चाहिए हमें। अरे दूल्हा है तू, तेरी अपनी बरात में पैसे लूटेगा, बेइज्जती करवा। आ जा आ जा आ जा आ जा सालों छह घंटे से पूरे नाग बने पड़े हो, तू नहीं बता रहा हूँ। अरे बस कर बहुले ना आए नागमणि, अरे रुक जा के नागमणि लेके जाओ पूरी, चल बहु खाए हमारी। अरे अम्मी एक गिलास हल्दी का दूध ले जल्दी से। दीदी जान पलंग तोड़ूंगा आज तो, यहाँ तो पलंग है ही ना। अरे गद्दे ही फाड़ दूंगा। इस शादी में उठा करोड़ों रुपया, तुझे पता ही है, लेकिन मैं लाग रात तो फिर भी मनाऊंगा। तो यार अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको यार इतना शेयर करो बेइज्जत, और अगर आप नए हो आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हो और सब्सक्राइब किए हुए हो तो यार वो बेल आइकन को प्रेस कर दो, बेल आइकन दबा दो यार, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, लाइक कमेंट भी करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी। क्या लगी, बहुत अच्छी वीडियो थी कसम से, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत कॉमेडी वाली वीडियो थी। अब शादी करना तो सबका अरमान होता है, बट ऐसे और फिर वो लास्ट में सुहागरात तो मनानी है, पैसा खर्च हुआ तो सुहागरात मनानी ही है। सही है, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है। बहुत मजा आया, अगर आपको भी मजा आया तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए हमें क्योंकि हम देखते हैं कि काफी सारे कमेंट्स व्यूज आते हैं हमारे, तो अगर कोई नया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे। तो चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद रिएक्शन, देखती रहिए मस्ती मैटर। बाय।